अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है आपका? दोस्तों शर्जील शौकत आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ मैक्स मोटर्स के ऊपर। आज हम आपको एक दफ़ा फिर लेके आए हैं और गाड़ियां तो मैं आपको हमेशा यहां पे दिखाता हूं, तो बड़ी अच्छी गाड़ियां होती हैं। आज जो आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारे पास ये प्राडो खड़ी है, 17 मॉडल है, 22 की इम्पोर्ट है, TXL पैकेज, बहुत शानदार गाड़ी है। इसकी वीडियो आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं, डिमांड क्या की जा रही है, कंडीशन क्या है। मैक्स मोटर्स जो है गुजरांवाला में ये शोरूम अवेलेबल है और इस पे ये गाड़ी अवेलेबल है। इनके डिटेल्स भी स्क्रीन के आपको आ रही हैं, अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं जी TXL जो 2022 मॉडल है उसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या प्राइस है। जी दोस्तों गाड़ी देखें जी, माशाल्लाह देखें, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी नज़र आ रही है हमें। ये है जी 2000 और दोस्तों ये 17 मॉडल और 22 की ये फ्रेश इंपोर्ट आप कह सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ी है, स्पॉटलेस है, कोई आपको स्क्रैचेस नज़र नहीं आएंगे। बोनट आप वगैरह देखें इसका तो माशाल्लाह बिल्कुल साफ हालत में है, ज़रा से भी कहीं से भी आपको रफ़ नहीं नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बेहतरीन है। लाइट्स आप देख सकते हैं, लाइट्स ऑन इसीलिए किए हैं ताकि आपको लाइट्स का अंदाज़ा हो जाए। अभी ये डे लाइट है तो फिर भी अच्छा खासा इसका पता चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ्रंट बम्पर जो है वो बिल्कुल क्लीन है, साफ है। ये फ्रंट ग्रिल आप देखें, फ्रंट ग्रिल बिल्कुल इसकी 100% बेहतरीन हालत है। मैं 360 व्यू देता हूँ आपको, आप चेक करें इसका जो है, ये टायर्स इसके देखें आप, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश टायर्स हैं, अलॉय रिम शाइन कर रहे हैं। और ये इसका साइड व्यू है दोस्तों, साइड से भी गाड़ी देखें बिल्कुल 100% स्क्रैचलेस है, स्पॉटलेस है। कोई आपको इसके ऊपर स्क्रैचेस या कोई इसमें चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी जो प्रॉब्लमेटिक नज़र आए। तो ये इसका बैक व्यू भी आप देख सकते हैं, ये स्पॉइलर ऊपर लगे हुए हैं और बहुत अच्छी हालत में नज़र आ रही है। देखते हैं जी इसका हम ट्रंक, और ट्रंक मैं दिखाता हूँ, ये TXL है दोस्तों, TXL पैकेज है और 7 सीटर आपको पता ही है गाड़ी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ट्रंक का डोर है, हाइड्रोलिक बेहतरीन नज़र आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि जो दो सीट्स होती हैं ये नीचे यहाँ पे फोल्ड होती हैं, आपको पता है जब ये ओपन करनी होती हैं आप इनको ओपन कर सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड नहीं है आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। तो आप कोई भी स्टफ़ अपना रखना चाहते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं, कहीं ऑफ रोड जाने के लिए या वैसे। बाकी आप देख सकते हैं ये 100% गाड़ी है जी और बिल्कुल बेहतरीन फाइव ग्रेड गाड़ी है बिल्कुल। और आप जो दोस्त समझते हैं उनको पता है 5 ग्रेड गाड़ी की जो है क्या सिचुएशन होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रही है। इस साइड से भी अगर 360 व्यू मैं दूँ आपको, चेक करें आप यहाँ से भी, आप माशाल्लाह देखें तो गाड़ी बिल्कुल दोस्तों बेहतरीन नज़र आ रही है। इंटीरियर देखते हैं कि बाहर से तो गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इंटीरियर इसका कैसा है तो देखें जी, ब्लैक इसका इंटीरियर है, ये आप देख सकते हैं डोर और इंटीरियर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू दे रहा है। सीट्स अगर आप चेक करें दोस्तों तो सीट्स माशाल्लाह बहुत शानदार नज़र आ रही हैं हमें। और ये है जी इसके क्या कहते हैं सनरूफ बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में नज़र आ रहा है हमें, ऑटोमेटिक है और वर्किंग बिल्कुल नज़र आ रही है इसकी। गाड़ी बहुत अच्छी है दोस्तों माशाल्लाह हर लिहाज से। डैशबोर्ड देखते हैं और फिर आपको बताते हैं इसके इंजन की सूरत हाल और फिर आपको बताते हैं इसकी डिमांड। तो चेक करें ये डोर की सूरत हाल है दोस्तों, माशाल्लाह डोर भी बिल्कुल बेहतरीन, सारी आपको पावर विंडोज़ यहाँ पे नज़र आएंगी। पुश स्टार्ट गाड़ी है ये, और दूसरा इसका जो माइलेज है वो आप देख सकते हैं 30,000 के आसपास ये गाड़ी चली हुई है। और स्टीयरिंग अगर देखें, स्टीयरिंग माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है हमें बेहतरीन हालत में। गेयर ट्रांसमिशन आप देखें बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन है। सीट्स यहाँ पे गेयर ट्रांसमिशन इसकी ऑटोमेटिक, आपको पता है गाड़ी स्टार्ट है। आप लाइट्स इसकी चेक कर सकते हैं ये। और डैशबोर्ड अगर मैं दिखाऊं आपको तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही साफ हालत में डैशबोर्ड है। GPS यहाँ पे आप नज़र आ रहा है, पावर इसकी जो AC बहुत बहुत कूल फीलिंग्स दे रही है मुझे अभी। और यहाँ से इसकी जो सीट्स देखें तो ये भी सीट्स इसकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ठीक हो गया। और बाकी दोस्तों दिखाते हैं अभी इसका आपको इंजन और बताते हैं उसकी क्या पावर है। बाकी अगर इंटीरियर की बात करें तो माशाल्लाह जी इंटीरियर तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दे रहा है हमें, बहुत शानदार, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका इंजन और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी डिमांड। तो लें जी 2017 मॉडल प्राडो 2022 की इम्पोर्ट, और ये उसका इंजन है जी 2.7, आपको पता है इसमें इंजन होता है। ये स्टार्ट है, आप साउंड सुन सकते हैं इसका, ये चेक करें बहुत ही कूल साउंड दे रहा है दोस्तों और बेहतरीन है। ये स्टार्ट इंजन है बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं ये गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट इंजन की है और बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है, कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसी फजूल नॉइस नहीं किसी चीज़ की आ रही। और इंजन भी आप देखें तो बिल्कुल ड्राई है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इंजन वाइज भी गाड़ी बिल्कुल 100% बेहतरीन नज़र आ रही है जी, ठीक हो गए दोस्तों। और बाकी अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर इसका जो है बोनट, तो बोनट भी आप देखिए माशाल्लाह बोनट भी बेहतरीन है जी हर लिहाज से, बहुत ही अच्छी इसकी लुक नज़र आ रही है, ठीक हो गया दोस्तों।
अब ये हो गया जी इसका इंजन भी 2.7 आपको मैंने बताया इसका इंजन होता है। गाड़ी जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैक्स मोटर्स के ऊपर अवेलेबल है। मैक्स मोटर जो है ये चंदा किला के पास है गुजरांवाला में। अब बात करें अगर इसकी डिमांड की तो मैक्स मोटर्स वाले इसकी जो डिमांड कर रहे हैं ना, ये डिमांड कर रहे हैं जी 2 करोड़ और 35 लाख रुपया। 2 करोड़ 35 लाख रुपए इसकी डिमांड ज़रूर की जा रही है। बाकी ये प्राइस जो है निगोशिएबल है, अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड होता है तो जो स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर आ रहा है आप उसके ऊपर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह इसमें मज़ीद कमी बेशी हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप देखें यहाँ पे जो है मैक्स मोटर्स है इनके पास, ये जापनीज़ गाड़ियों के आप कह सकते हैं ये स्पेशलिस्ट हैं। बाहर आप देखें बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, ये सारी जापनीज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास जो ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं ये जापनीज़ ही होती हैं। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हम कोई अगर सजेशन होती है आपके पास हमारे लिए तो ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके सजेशंस के साथ ही हमें बड़ी हौसला अफजाई मिलती है और हम अपने आप को और पॉलिश करते हैं। वेल थैंक यू सो मच गाइज आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान।